तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कासमाबाद में अनवर सुमरो की रिहाइशगाह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे खुशी है कॉम्स का एजेंडा जो नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था वो उसका दोबारा आगाज हो। लोग चाह रहे हैं कि वो तरक्की का सफर जो नवाज शरीफ की सरबराही में शुरू हुआ था वो वापस आए, तो उस दौर को वापस लाने के लिए मैं ये समझता हूँ कि आज सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी होगी। अगले चंद दिनों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ये हुकूमत जिस तरह मईशत के महाज पर नाकाम हुई उसी तरह ये कोरोना के खिलाफ भी नाकाम हुई। आज जो हजारों अमवात कोरोना में हुई, आज जो लाखों लोगों को कोरोना हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इस हुकूमत की ना अहली की वजह से हुआ कि अगर ये अपने बॉर्डर वक्त पे सील कर देते तो पाकिस्तान के अंदर ये आफत ना आती और मईशत का ये बेड़ा गर्क ना होता। लेकिन कोरोना आने से पहले ही इन लोगों ने मईशत का जनाजा निकाल दिया था। आप सबको याद होगा कि कोरोना आने से पहले ही पाकिस्तान की मईशत का बदतरीन हाल हो चुका था। आज एक कड़ा एहतसाब होना चाहिए इन नाअहल हुक्मरानों का, इन करप्ट हुक्मरानों का जो आटा चोर भी हैं, चीनी चोर भी हैं, अद्वियात महंगी करके पैसे खाने वाले, यूरिया महंगी करके पैसे खाने वाले। आज चंद घरों को तो पैसा दिया जा रहा है और ये वो घर हैं जो इमरान खान को पालते रहे। ये वो माफियाज हैं जिनको जिनसे इमरान खान भत्ता लेता है। आज इन भत्ता खोरों का खात्मा करने का वक्त है। आज मैं सलाम पेश करता हूँ अहलियाने सिंध को भी कि वो आज जो यहाँ से भी एक मैं जिन जिन दोस्तों और साथियों से मिला हूँ आज सब मिलकर यक जुबान इस नाअहल नालायक और करप्ट हुक्मरान से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। मैं हैदराबाद के आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।